हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे एक टी टाइम स्नैक, सिंघाड़ा फ्राई या वाटर चेस्टनट फ्राई, जिसको पानी फल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, सिंघाड़े में बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये ग्लूटेन और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा होता है सीज़न में। आइए शुरू करते हैं बनाना। उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो सिंघाड़ा लिया, उसको बीच से कट करके छील लिया है, छिलके उतार दिए हैं, फिर अच्छे से वॉश किया है। अब एक पैन गरम करूँगी मैं। पैन में डालेंगे एक छोटा चम्मच घी। आप चाहें तो इसमें बटर, ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल दिए मैंने ये सिंघाड़े। सिंघाड़े को हम थोड़ा सा कुक करेंगे। सिंघाड़े के साथ मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए। नमक डालते ही सिंघाड़े में से पानी निकलने लग जाता है, क्योंकि ये पानी फल इसीलिए कहते हैं इसको। अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि ये अपने ही पानी में कुक हो जाए। इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। सिंघाड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि उसका हल्का कलर चेंज हो गया है और पानी भी आ गया है इसमें। इसको हम थोड़ा सा और कुक करेंगे ढक करके। सिंघाड़े को कितना पकाना है ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको पूरी तरह कुक चाहते हैं तो थोड़ा लंबा पकाइए। मैं सिर्फ इसको ऊपर से सॉफ्ट और अंदर से थोड़ा क्रंची रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं बहुत देर तक नहीं पकाऊंगी इसको। देखिए, इसमें अच्छे से पानी निकल गया है और सिंघाड़े का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसको और कवर करके नहीं पकाऊंगी। अब इसको हम ओपन ही थोड़ा फ्राई करेंगे। इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। इसमें डालूंगी मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स, एक छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर। इसको मिक्स करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे क्रश्ड ब्लैक पेपर। अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप काली मिर्च या रेड चिली यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ग्रीन चिली भी स्लिट करके यूज़ कर सकते हैं। हमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें स्पाइस लाना है। इसको अच्छे से मिक्स किया। देखिए, धीरे धीरे सिंघाड़े का पानी भी ख़त्म हो गया है इसमें से। इसमें डाला मैंने एक चम्मच नींबू का रस, थोड़ी कटी हरी धनिया। अब हम इसको 2 मिनट और इसमें फ्राई करेंगे ताकि सिंघाड़े भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। ये तैयार हो गया है हमारा टेस्टी टी टाइम स्नैक, सिंघाड़ा फ्राई। ये देखिए, ये देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। इसको सर्व कर लेते हैं। इसको गरमागरम सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।